फैसला, आम आदमी को राहत दी गई है। एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए सस्ता किया गया। कैबिनेट ने सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। देश के उन लोगों को इसका फायदा जो वर्तमान स्थिति में एलपीजी सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत नहीं भरवा रहे थे, क्योंकि देश के अंदर उज्ज्वला योजना के तहत जिनके सिलेंडर भर रहे थे उनको पहले से ही 200 रुपए की सब्सिडी का फायदा मिल रहा था, लेकिन कॉमन मैन को नहीं मिल रहा। अब कॉमन मैन को जो सिलेंडर 1050 रुपए का मिलता है वो सिलेंडर अब 200 रुपए सस्ता मिलेगा। हालांकि इस दौरान कोई बैरियर नहीं लगाया गया है, मसलन कि साल में 12 सिलेंडर या 6 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी, ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार ने आम आदमी को राहत के तौर पर दी है और ये एक बड़ा फैसला, केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला है। एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए सस्ता हुआ है। योजना के तहत यह 200 रुपए की सब्सिडी दी गई है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए सस्ता किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट ने सब्सिडी को मंजूरी दी है। आम आदमी को राहत सिर्फ उसी लिहाज में है जिनके पास उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर है, उन्हीं को इससे राहत मिलेगी। तो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है उज्ज्वला योजना के तहत जिनके पास सिलेंडर है, जिनके पास रसोई गैस का कनेक्शन है, उनको ये राहत मिल रही है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए सस्ता किया गया है। कैबिनेट ने सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया गया। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला और ये बड़ा फैसला आम आदमी जो महंगाई की मार को झेल रहा है और जिसके पास उज्ज्वला का सिलेंडर है उसको राहत मिलते हुए 200 रुपए सस्ती होते हुए एलपीजी सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर को भरवाते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि अगर सिलेंडर के दामों की बात की जाए तो बीते 6 से 7 सालों में सिलेंडर के दाम में काफी ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मसलन अगर बात की जाए तो जून 2022 में एलपीजी गैस सिलेंडर में 55 रुपए का इजाफा हुआ था, मई 2022 में 53 रुपए का इजाफा हुआ था और धीरे धीरे गैस की दाम बढ़ते हुए 1106.50 रुपए तक पहुंच गए। अब उज्ज्वला के तहत जो सिलेंडर भरवाते हैं उनको राहत मिल रही है, 200 रुपए प्रति सिलेंडर की राहत दी जा रही है। हालांकि राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1106 रुपए की जगह उज्ज्वला के तहत जो सिलेंडर भरवाते हैं उनको 200 रुपए कम यानी कि 906.50 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। गैस के दामों में कई बार बढ़ोतरी हो चुकी है। बीजेपी विधायक और मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामलाल जी, उज्ज्वला के तहत ये राहत दी गई है, चुनाव से पहले इस राहत को आप कैसे देखते हैं? चलिए वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है, कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई है, एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए सस्ता कर दिया गया है, कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपए की सब्सिडी और ये एक बड़ी राहत। उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर भरवाते हैं उनको, आम आदमी को इसमें कोई राहत नहीं है, लेकिन इस 200 रुपए की सब्सिडी को लेकर कई सवाल हैं।
क्योंकि राजस्थान में भी गहलोत सरकार ने उज्ज्वला गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए एक सिलेंडर 500 रुपए में देने का ऐलान किया था। तो क्या उस वजह से सब्सिडी दी गई है? सवाल यह भी है कि क्या राजस्थान में अभी भी 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा?